सब्सक्राइब अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार अड्डा 24/7 पे, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। तो दिन की शुरुआत स्पीड मैथ के साथ। तो दोस्तों, अगर बात करें इस सेशन की, तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं क्या रहने वाला है खास। बट उससे पहले यार, आप लोग फटाफट से इट्स लिंक को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आप लोग की रीच है वहाँ वहाँ इस लिंक को शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके। तो बात करें दोस्तों स्पीड मैथ्स में, बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मन में डाउट होता है कि सर है क्या एक्चुअली में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसको करने वाले हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट से। बस समझाएंगे आप लोगों को कि क्या एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रेशियो का। अब देखिए, जब भी कभी बात आती है डिसऑनेस्टी की, तो वो दो केस में होती है। एक होती है आप लोग की दोस्तों सेलिंग रेशियो, एक होता है हमारा बाइंग रेशियो। मतलब सिंपल सी बात है, जो बेईमानी होती है वो दो तरीके से होती है, मतलब जब खरीदते समय और बेचते समय। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा यह है कि आप अपने आप को एक बेईमान दुकानदार समझ लीजिए। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेलिंग रेशियो की। अगर आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप बेईमान दुकानदार हैं, ठीक है, और आप हमें सामान बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हम आपके शॉप पे आए और हमने आपसे बोला कि हमें एक किलो चावल दे दो, बट आप हैं बेईमान। ठीक है, आप हैं बेईमान, आप साफ साफ बोलेंगे तो है नहीं ऐसा कि भाई हम बेईमान हैं, हम तुम्हें, अगर हमसे आप एक किलो मांगोगे हम आपको 800 ग्राम देंगे, ऐसा तो बोलोगे नहीं आप। भाई आप हमसे छुपा के दोगे, हम आपसे बोलेंगे हमें एक किलो दे दो, बट आप हमें एक किलो ना देके आप हमें कुछ कम दोगे, क्योंकि आप बेईमान हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि भाई हम बेईमान हैं, आप बेईमानी करोगे और हमें दिखाओगे नहीं। तो बात समझना ध्यान से, सेलिंग रेशियो में बेईमानी कैसे होती है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में बोलता है जनरली, आप देखते हैं कि 1000 ग्राम की जगह क्या बोला, 800 ग्राम वे किया। ये बोलता है भाई, एक्चुअल अगर बात करें 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम अगर वे करता है तो बेईमानी होगी, क्योंकि हमने आपसे बोला कि भाई हमें एक किलो चावल दे दो, बट आप ठहरे बेईमान। ठीक है भाई, दिल पे मत लेना, नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, आप ठहरे बेईमान। तो आपने क्या किया, हमें आपने 1000 ग्राम की जगह हमें 800 ग्राम तोला, मतलब कहीं ना कहीं 200 ग्राम का आपने फायदा किया। तो अगर हम यहाँ पे वेट का रेशियो निकाल लें तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 5 और 4। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो दोस्तों होगा वो क्या होगा, हमारा 4 और 5। तो यहाँ से देखने को मिला जो हमारा प्रॉफिट बना वो क्या बना, हमारा एक प्रॉफिट किस पे, 4 पे, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो यहाँ पे कितना होगा आप लोगों का, 25। तो देखा जाए कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ये एक्चुअली में दोस्तों हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है रेशियो वाला। बाकी सिंपल वे में कर सकते हैं आप, सिंपल सी बात है, 1000 ग्राम जा चाहिए, बट आपने वे किया 800 ग्राम, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है जो सीपी जाएगी वो कितनी जाएगी आप लोगों की, 800 ग्राम की जाएगी सीपी। और आप प्रॉफिट कितने का हमारा, 200 का, तो सिंपल सी बात है 200 का प्रॉफिट किस पे, 800 पे गुणे 100, तो आपका आंसर कितना है, 25% आ रहा है। बस मेरे कॉन्सेप्ट की बात ये है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि जब भी कभी सेलिंग की बात आती है, ध्यान रखिएगा जब भी आप कभी सेल कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आपको ध्यान रखना है वेट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसी होगा प्रॉफिट के। अगर वेट आप लोग का बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और वेट अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को। जैसा कि हमने देखा था कि भाई 1000 ग्राम की जगह आप कितना दे रहे हो, 800 ग्राम दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 चलेगा, 0 चलेगा, यहाँ पे कितना हो गया 5 और यहाँ पे कितना हो गया 4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखो वेट हो गया ये, तो प्रॉफिट उल्टा होगा, मतलब 4 और 5 में। ठीक है, ये रेशियो होते हैं आप लोग के। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया। अब अगर बात करें बाइंग रेशियो, तो बाइंग रेशियो का मतलब सिंपल सी बात है, बाई का मतलब होता है खरीदते समय बेईमानी। खरीदते समय बेईमानी मतलब ये है कि आपको चाहिए 100 ग्राम, ठीक है, आपको चाहिए 100 ग्राम और आपने ले लिया कितना, 110 ग्राम, मतलब 10% की बेईमानी की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 और 11, चाहे वो आपको बनाना हो 1000 से, तो यहाँ पे कितना बनेगा आप लोग का, 1100, क्योंकि 10% की बेईमानी की आपने। ठीक है, तब भी आप देखो रेशियो कितना बनेगा आप लोग का, 10 और 11 बनेगा। मतलब सिंपल सी बात है, बेचते समय आप लोग का नॉर्मल जो रेशियो होता है उसी में आपका प्रॉफिट होता है, बट खरीदते समय आपको रिवर्स करना होता है, जितना आपने कम तोला उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होता है। कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो समझ जाएंगे कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, समझिएगा। बोला गया अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल पल्सेस एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर अ केजी, हिज गेन इज। अब देखिए 950 ग्राम ले रहा है, मतलब उसको करना था कितना, 1000 ग्राम, बट वो कितना कर रहा है आपका, 950 ग्राम कर रहा है। तो अगर यहाँ से रेशियो वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले, क्या है, ये यहाँ पे 0 0 चला गया, यहाँ पे कितना गया आप लोग का, 5 2
और यहाँ पे कितनी बार 19 जब, इसका मतलब सिंपल सी बात है जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा 19 से 20 होगा। तो यहाँ पे आप देखो देखने को मिला एक का प्रॉफिट किस पे 19 पे और मल्टीप्लाई पे कितना 100 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 100 बाई 19 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 100 बाई 19, दैट इज कितना हो जाएगा आप लोग दोस्तों 5 बाई 19%। तो ये है इसका रेशियो कॉन्सेप्ट। बट अगर बात करें सिंपल से तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है 1000 करना है वे, कितना किया 950। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट कितने का है 50 का, किस पे 950 पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो बात वही आ रही है, बस रेशियो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि काफी आसान है, क्वेश्चंस में लग जाता है ये। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ये रहा बोला यहाँ पे क्या गया, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग वे 10% लेस एंड 20% मोर पर केजी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। समझिएगा बात को, बेचते और खरीदते समय एक बेईमान दुकानदार ने क्रमशः 10% कम और 20% अधिक वजन करता है। मतलब समझिएगा, सांप साहब बोला गया 10% लेस, 10% लेस का मतलब सिंपल सी बात है वो क्या होगा दोस्तों हमारा 10% अगर हम लोग लेस की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सिंपल सी बात है साफ साफ बोला गया कि वो आपको 10% कम दे रहा है। बट 20% मोर का मतलब है कि वो 20% ज़्यादा खरीद रहा है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल तरीके का कॉन्सेप्ट और एक हमारा रेशियो। अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की, ठीक है, अगर हम अपने बात करते हैं कॉन्सेप्ट की तो सिंपल सी बात है उसको कितना देना है हमें 100 देना है। ठीक है, अब खरीदते समय वो 100 रुपये का सामान, 100 रुपये उसने दिए दुकानदार को, बट उसने सामान कितना लिया 120। हमने माना 1 रुपये का जो प्राइस है, 1 रुपये कितना है 1 ग्राम का है, समझना बात को, 1 रुपये ग्राम का है, तो उसका मतलब 100 ग्राम को कितने रुपए हुआ 100 रुपये हुआ। बट उसने खरीदते समय 20% ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब सिंपल सी बात है 100 ग्राम की जगह कितना ले लिया उसने 120 ग्राम ले लिया, मतलब 100 रुपये में। और बेचते समय उसने 10% कम तोला, मतलब 100 ग्राम की जगह कितना तोलेगा वो केवल 90 ग्राम, क्योंकि भाई 100 ग्राम की जगह कितना तोलेगा वो 90 ग्राम, क्योंकि 10% की कमी कंजूसी की मतलब बेईमानी की। तो यहाँ पर देखो वो 90 वो उसकी कॉस्ट प्राइस है और वो पैसे कितने ले रहे हैं आप लोग के 120। तो यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट कितने का हुआ आप लोग का 30 का, किस पे 90 पे इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा कितने बार 3 बार, तो यहाँ पे कितना होगा आप लोग का 100 बाई 3, दैट इज कितना होगा आप लोग का 33.33%। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया है, ये ऐसे करना तो ऐसे कर लो, या आपको अगर रेशियो से करना है तो दोस्तों रेशियो से कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, 10% कम वे कर रहा है, 10% कम वे कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है 10 से कितना कम करेगा वो 9 करेगा। अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा आप लोग का 9 से 10 हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि बताया था उल्टा। फिर 20% मोर, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है क्योंकि भाई क्या कर रहा है परचेस कर रहा है, परचेस करते समय 20 का मतलब सिंपल सी बात है कितना 1/5, तो इसका मतलब 5 से कितना जाएगा दोस्तों 6 जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 9, 5 1 5 2, तो यहाँ पे कितना होगा 9 और यहाँ पे कितना होगा 12, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको 3 का, किस पे 9 पे गुणे 100। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 3, मतलब 100/3 का मतलब दोस्तों क्या है सिंपल सी बात है 33.33%, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। तो गाइज आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है, ये प्रॉफिट किस पे मिला ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट किस पे है जब वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है, ठीक है, और ये प्रॉफिट कब है जब वो बाय कर रहा है, दोनों प्रॉफिट सक्सेसिव है लगा दिया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया। मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा बोला गया है कि आ शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट 12.5% लॉस बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस 20% लेस वेट, कैलकुलेट हिज एक्चुअल गेन ऑब्लिक लॉस परसेंटेज। 12.5% का लॉस, 12.5% का लॉस का मतलब बोस इतना है 1/8, मतलब 8 पे 1 का लॉस, मतलब कितने का बेचा 7 का बेचा। अब 7 में 20% लेस, 20 का मतलब सिंपल होता है 1/5, तो इसका मतलब 5 से 4 तोला, इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 4 से 5, तो 4 से कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 32 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 35 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट कितने का बन रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 का प्रॉफिट बन रहा है, किस पे 32 पे, मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो देखिए पूरा यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, 4 से जाएगा कितनी बार 4 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का 4 25 टाइम्स, तो यहाँ पे दोस्तों क्या जाएगा 75/8, इसका मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का 8 9 या 72 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 9 complete 3/8%। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को अब बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बस ध्यान रखिएगा जब हम बेचेंगे तो रिवर्स कर देंगे रेशियो, और जब खरीदेंगे तो वो सेम रहेगा, ठीक है। एक और देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड यूजेस अ फॉल्स वेट व्हिच इज 20% लेस, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे भी आ गई,
कहानी वही है, चाहे तो आप लगा सकते हो दो तरीके से, 100 मान के कर सकते हैं आप, ठीक है। सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस, इसका मतलब वो 100 का सामान 120 का दे रहा है, और अगर देखा जाए यहाँ पे तो 20% कम तोला, इसका मतलब कितना तोलेगा, 80 तोलेगा, तो 80 जा रहा है सीपी और ले कितना रहा है वो 120, तो प्रॉफिट कितने का वहाँ पे 40 का, किस पे 80 पे गुणे 100, तो यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार, यहाँ पे कितनी गया 50 बार, तो आंसर कितना गया आप लोग का 50%, और आप देखो 50% आंसर आ रहा है। बट अगर इसकी रेशियो अप्रोच करते हैं तो क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। 20% का प्रॉफिट का मतलब सिंपल सी बात है, 5 पे 1 प्रॉफिट कितने का बेचा, 6 का बेचा, 20% लेस वे, 20% का मतलब होता है 1/5, तो मतलब 5 से 1 कम तोला 4, तो इसका मतलब प्रॉफिट दोस्तों कितना देगा, उल्टा 4 से 5, 5 से 5 चला गया यहाँ पे कितनी बार 2, यहाँ पे कितनी बार 3, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कितना आएगा 2 और 3, अगर देखा जाए दोस्तों प्रॉफिट तो यहाँ पे कितने प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 2 पे गुणे 100, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आप लोग का 50%। तो दोस्तों आपने देखा, आपने दोनों तरीके से किया, चाहे हम रेशियो मेथड की बात करें, चाहे हम बात करें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की, दोनों तरीके से हमारा काम हो रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए फिर से वही बात आ गई यहाँ पे, अ शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही सेलिंग शुगर एट 23 पर केजी विच कॉस्ट हिम 25, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि वो 23 रुपए में वो बेच रहा है शुगर, जिसको जिसकी कॉस्ट है वो कितनी है 25, इसका मतलब सिंपल सी बात है 25 कॉस्ट है, 2 रुपए का नुकसान उठाया, कितने का बेचा 23 का, ये तो एक हो गया मतलब प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद साफ साफ बोला गया है 800 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह, ठीक है, तो 800 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह, सिंपल सी बात है अगर यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो कितना आएगा हमारा 5:4, मतलब देना 5 था, दे कितना रहा है 4, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 4 से 5, ये आपके मन में ओरली आ जाएगा, ध्यान रखिएगा जब बहुत सारे प्रैक्टिस कर लोगे, देखो हम खुद ही मन में कर रहे हैं 1000 से 80 मतलब 5 और 4, उल्टा कर देंगे मतलब 4 और 5, ये आपके मन में आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है 4 से कितना हो गया आप लोग का 5 कट सकता है यहाँ पे कितनी बार 5 बार, तो यहाँ पे कितना गया आप लोग का 20, यहाँ पे कितना गया आप लोग का 23, तो आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का, किस पे 20 पे, और यहाँ पे निकालना परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कितना 100, 20 कितनी बार 5 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 15%, तो आंसर दोस्तों कितना हो गया आप लोग का 15%, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो आई होप सो दोस्तों कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, अशु मार्क अप हिज गुड बाय 40% एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 100 ग्राम फॉर 800 ग्राम। अब इसका मतलब देखो सिंपल सी बात आप लोगों के मन में जहन में बैठ चुकी है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा 4 से 5, भाई ये बात तो क्लियर है। व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज, अब देखिए सिंपल सी बात है मार्कअप किया उसने कितने से 40% से, तो सीपी होगी 100%, मार्कअप किया 40% से मतलब कितना हो गया 140 हो गया, डिस्काउंट दिया दोस्तों 10% का, इसका मतलब यहाँ पे 14 रुपये का डिस्काउंट होगा, मतलब कितने का हो गया यहाँ पे दोस्तों 126 का, तो सिंपल सी बात है देखा जाए प्रॉफिट कितने का हुआ 26% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और साथ में देखा जाए यहाँ पे भी प्रॉफिट कितने का दोस्तों हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 4 से बेचा 5, तो मतलब सिंपल सी बात है 25% का, तो आप चाहो तो उस तरह कर लो, चाहे आप लगा सकते हो सक्सेसिव, क्योंकि 2 लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं तो P1 P2 भी फॉलो करेगा, ठीक है, तो सक्सेसिव फॉलो करेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 26 प्लस का 25 प्लस का 26 गुणे 25 इनटू 100, डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कहाँ पे आपका आसान हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का 4 times, यहाँ पे कितनी बार गया आप लोग का 4 5 20, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 4 6 कितना होगा 24 और 4 5 20, तो यहाँ पे देखो कितना होगा आप लोग का 26 और 25 कितना होगा आप लोग का 51 प्लस 6.5, तो यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा आप लोग का 57.5% विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो गाइज आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ 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 दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, ठीक है, आप जो चाहते हैं दोस्तों वही हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे स्पीड मैथ्स में, तो बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि गुरुजी की कैसा लगा सेशन गुरुजी का, बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि हम नेक्स्ट सेशन किस पे लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।